16 साल का एक बच्चा अपने इंस्टाग्राम पर ज्यादा लाइक्स और शेयर पाने के लिए खुद का फेक सुसाइड का एक वीडियो बनाता है, पर इस वीडियो को बनाते समय उसके साथ एक हादसा हो जाता है जिसमें स्टूल गिर जाने से वाकई उसकी मौत हो जाती है। ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों केसेस रोजाना होते हैं जहाँ इंस्टाग्राम पर तो कभी फेसबुक पर ज्यादा लाइक्स और शेयर पाने के चक्कर में ज्यादा अटेंशन पाने के लिए बच्चे कई सारे ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं जो शायद उन्हें नहीं उठाने चाहिए। सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के साथ उससे जुड़े कई सारे क्राइम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में हमारा ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर सोशल मीडिया से जुड़े इन क्राइम्स को कैसे कम किया जाए और हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं सभी सवालों पर बात होगी आज के वीडियो में। हेलो इंदौर, मैं हूं मनस्वी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक पावर्ड बाय श्री मारुति कुरियर सर्विसेज। जब भी बात होती है सोशल मीडिया और उससे जुड़े क्राइम्स के बारे में तो सबसे पहले जिन चीज़ों के बारे में सोचा जाता है वो होती हैं साइबर बुलिंग, बॉडी शेमिंग या फिर सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज़ से होने वाला डिप्रेशन। पर हर बार यही वजह नहीं होती जो बच्चे सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं। पहले जहाँ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स और प्रॉब्लम्स के चलते बच्चे खुद को सेल्फ हार्म या सेल्फ इंजरी करते थे, वहीं अब बच्चे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स पाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अटेंशन पाने के लिए ऐसे कदम उठाने लगे। और यही कारण है कि अब बच्चे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं जिसमें वो खुद को किसी तरह की चोट पहुंचा रहे हों या फिर सुसाइड जैसा बड़ा स्टेप उठा रहे हैं। बच्चों को सोशल मीडिया से जुड़े ऐसे क्राइम से कैसे बचाया जा सकता है, आइए इस बारे में बात करते हैं इंदौर साइबर सेल SP जितेंद्र सिंह सर से। बात करें सोशल मीडिया गेमिंग और उसके साथ जो सुसाइड या डिप्रेशन का जो बच्चों का कनेक्शन चल रहा है उसके बारे में, तो एक और चीज़ अभी हम देख सकते हैं कि इंदौर शहर में ऐसे भी जो क्राइम्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं जहाँ बच्चे गेमिंग के चक्कर में कई सारे पैसे अपने माता पिता के गवा देते हैं या फिर कई ऐसे बड़े स्टेप्स ले लेते हैं जो उन्हें शायद नहीं लेना चाहिए। तो इसको लेके इंदौर साइबर सेल क्या कदम उठा रही है? देखिए, हमारे पास समय समय पर इस तरह के शिकायतें आई हैं जहाँ माँ बाप ने हमें शिकायत की कि उनके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट से कुछ पैसे चले गए। जब हमने उसकी जांच की तो ये पाया कि वो पैसे उनके बेटा, बेटी या कोई रिश्तेदार ने ही निकाले थे। तो सामान्य तौर पर ऐसे प्रकरणों में हम उनको, बच्चों को यहाँ बुलाते हैं, उनके अभिभावकों के साथ बुलाते हैं और फिर उनकी काउंसलिंग करते हैं। हमारे पास जो केसेस आए उसमें महंगे मोबाइल खरीदने के लिए बच्चे द्वारा ऐसी किया गया है, गेमिंग में एसेसरीज खरीदने के लिए बच्चे द्वारा ऐसा किया गया है, इस तरह की बातें आई हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल साइबर सेल के अलावा अभिभावकों का है, पेरेंट्स का है, टीचर्स का है, उनके जो सहपाठी या उनके साथ जो पीयर ग्रुप है उसका है। हम सभी को समाज में इस बात पर नज़र रखना पड़ेगी कि बच्चा जो है उसकी जो गतिविधि है वो असामान्य तो नहीं हो चली है। कुछ पेरेंटिंग कंट्रोल के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तो तमाम ऐसी तरह की चीज़ें हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा अलर्टनेस रखें तो बच्चों को इस दुनिया में सावधानी बरतते हुए हम बचा सकते हैं। सर, ये तो हमारी तरफ से सावधानी की बात हुई, पर जब अगर किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह का साइबर क्राइम हो जाता है तो उसके तुरंत बाद उन्हें किस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो घबराएं ना। कभी भी हम जो कहते हैं कि किसी भी बच्चे को या उनके पेरेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई अपराध हो जाता है तो आप उस तत्काल उस अपराध से संबंधित जो भी आपके पास जानकारी है वो लेकर साइबर सेल में आ सकते हैं, नज़दीक के थाने में जा सकते हैं। यदि आपको साइबर सेल या थाने में नहीं जाना है तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था है। www.cybercrime.gov.in ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर कि आप अपने साथ हुए साइबर क्राइम की शिकायत लिखवा सकते हैं। यदि कोई फाइनेंशियल नुकसान आपको हुआ है तो एक हेल्पलाइन नंबर है 155260, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जानकारी भी दे सकते हैं। आज के न्यूज टॉक में हमने बात की कि आखिर किस तरह सोशल मीडिया से जुड़े क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं और बच्चे अटेंशन सीकिंग के लिए कई ऐसे कदम उठा रहे हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए। जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, यदि उनका बच्चा किसी भी तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो अपनी तरफ से इंश्योर करें कि उनका बच्चा सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल जरूर कर रहा हो, और यदि कोई भी ऊंच नीच हो जाती है तो आप इससे जुड़ी कंप्लेंट साइबर सेल में जरूर करें। आज के न्यूज टॉक में इतना ही। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए इंदौर टॉक। आप देख रहे थे हमारा स्पेशल सेगमेंट न्यूज टॉक पावर्ड बाय श्री मारुति कुरियर सर्विसेज। श्री मारुति कुरियर सर्विस हमेशा सबसे आगे, 35 वर्षों की विश्वसनीयता के साथ फिर एक बार आपकी सेवा में। संकट के इस समय में देश को जोड़े श्री मारुति कुरियर सर्विस।
रीकनेक्टिंग द नेशन।